प्रणाम। हमारी विशेष प्रस्तुति हे प्रभु आनंद दाता, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं कि सनातन परंपरा के समुद्र में भीतर तक गोता लगाकर विमर्श के, चिंतन के, आख्यान के, वैदांतिक दर्शन के कुछ चमकते हुए रत्न और मणियों को खोजने का ये एक यत्न है। और जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, जीवन परिश्रम और अध्यावसाय से भी हमको यही बताता है कि जितनी मेहनत और परिश्रम होगा उतना ही उसका प्रतिफल महत्वपूर्ण होगा, दीर्घजीवी होगा, स्थायी होगा। लेकिन जीवन में कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जिन पर हमारा भ्रम समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता। कुछ हमारी धारणाएं जिस तरह से चलती रहती हैं वो चलती ही चली जाती हैं। क्या संपत्ति है और क्या विपत्ति है, ये किसी कविता की तुकबंदी नहीं है, ये वो प्रश्न है जो हमें अक्सर ठिठकने पर मजबूर करता है। कई बार हम जिसे संपत्ति मानते हैं वो विपत्ति होती है, और जिसे हम विपत्ति मानते हैं वो दरअसल संपत्ति है। और इसी को एक अंग्रेज़ी कहावत बहुत खूबसूरत तरीके से कुछ इस तरह कहती है कि एन ऑप्टिमिस्ट सीज एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी कैलमिटी एंड पेसिमिस्ट सीज एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी कैलमिटी। एक आशावादी हर विपदा में अवसर देखता है और एक निराशावादी हर अवसर में एक विपदा देखता है। जीवन के प्रति अधिकांश लोगों का दृष्टिकोण भी ऐसा ही होता है। अब कहा तो ये भी गया है, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना। अब सुमति ही संपत्ति है और हम संपत्ति को सुमति माने बैठे हुए हैं, इसीलिए संपत्ति आ जाती है। लेकिन घर में महाभारत समाप्त नहीं होता, महाभारत कुरुक्षेत्र में भी समाप्त नहीं हुआ। न संपत्ति कम थी कौरवों के पास और पांडवों के पास भी कोई कमी तो नहीं थी, पुरुषार्थ रूपी संपत्ति तो थी ही। तो आखिर क्या संपत्ति है और क्या विपत्ति है, और इनमें से चुनने की बात अगर हम करें तो किसे चुनें, और क्या ऐसा चुनें कि जिससे संपत्ति भी आ जाए और विपत्ति जिसको अगर शाब्दिक अर्थ में देखें तो वो भी दूर रहे, या आए तो इतना सिंह जैसा कलेजा हो कि उसका सामना डटकर किया जाए। जानेंगे मानस मर्मज्ञ भगवद गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। प्रणाम। विषय प्रवर्तन के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत है। आपने विषय प्रवर्तन के साथ इसमें एक बड़ी सुंदर बात जोड़ दी है। आपने बाबा का स्मरण करते हुए उनकी एक अमर चौपाई के पद लिए हैं जी, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति ना, तहाँ संपत्ति, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति दाना। तो अब ये तो सुनिश्चित हो गया कि सुमति ही संपत्ति है, बिल्कुल, और कुमति जो है वो विपत्ति का मूल है। मूल है, ये तो बड़े सारगर्भित शब्दों में उन्होंने कहा है। लेकिन इसको मैं चश्मे के रूप में लेता हूँ। जिस रंग का आप चश्मा लगा लेते हैं दुनिया आपको उस रंग की दिखने लगती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। आपने यदि हरे रंग का चश्मा लगा लिया तो दुनिया हरा हरा दिखने लगती है, और काले रंग का लगा लिया तो काला काला नजर आने लगता है। तो चश्मा के रंग से अर्थात जैसी आपकी दृष्टि बनी हुई है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि आपका निर्माण कर लेते हैं। अब यहाँ एक चिंतन ये आता है कि दृष्टि बनता कैसे है। दृष्टि सुमति से बनती है। अगर सुमति आपने लगा लिया है तो आंखों का नंबर ठीक है आपका। सुमति का चश्मा यदि लगा हुआ है तो दुनिया आपको बहुत बारीकी से आप समझ पाएंगे। देखिए मुझे तो एक छोटा सा वाक्यांश याद आता है, जब मैंने एक बोलते हुए बालक को एक सुंदर सा काव्यक्ति या मनोरंजन की बात करते हुए सुना। उन्होंने कहा कि अंकल मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ। मैंने कहा अच्छा चुटकुला सुनाओ सुनाओ। तो वो अपना चुटकुला सुनाने लगा मुझे। उसने कहा ऐसा है कि एक बार एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होकर ऊपर गया। ध्यान रखिएगा, को जाने को जई है जमपुर को सुरपुर पर धाम को, और तुलसी बहुत भलो लागे जग जीवन राम गुलाम को। अभी ये तो नहीं मालूम ना कि मरने के बाद कौन स्वर्ग जा रहा है कौन नर्क जा रहा है, लेकिन उसने अपनी परिकल्पना में ये कहा कि वो पहुंचा ऊपर। ऊपर पहुंचा तो उसने बड़े सत्कर्म किए थे, सत्कर्म किए थे तो यमराज ने रजिस्टर देखा उनके सेवाधारी ने, और उन्होंने कहा भाई आपको यहाँ स्वर्ग मिला हुआ है, आपको इधर आना है स्वर्ग में।
बोले स्वर्ग में क्या क्या है, बोले कुछ नहीं, एयर कंडीशन बढ़िया कमरा है, अच्छा होटल है, जब भी घंटी बजाएंगे कोई आदमी आ जाएगा। उस बालपन की भावना है, आप देखिए घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, इधर उधर आप चाहे जहाँ घूमिए, आपको सारी सुख सुविधाएँ हैं। अचानक उसकी नज़र बगल वाले कक्ष की ओर पड़ गई, वहाँ उसने देखा कि नाना प्रकार के संगीत चल रहे हैं, लोग पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, नाच रहे हैं, कोलाहल मचा हुआ है, चाय जैसा नाच रहे हैं, वहाँ पर वस्त्रों की कोई व्यवस्था नहीं है और नाना प्रकार का रूप लावण्य दिख रहा है। उसने कहा ये क्या है, उन्होंने कहा ये तो नर्क है, उधर आप ध्यान मत दीजिए, आप तो स्वर्ग में आइए। बोले क्या मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं नर्क जा सकता हूँ? तो उन्होंने कहा भैया आप पर है, आपको जाना है नर्क पर तो नर्क चले जाइए। उसने कहा भैया मुझे स्वर्ग में नहीं जाना है, मुझे तो नर्क में जाना है। वो उसमें प्रवेश करता है, अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, वहाँ नाचते गाते बैठे लोग हैं, अचानक एक घंटी बजती है और बोलती सुनो विज्ञापन का समय समाप्त हुआ, अब आप अपने डिपार्टमेंट में चलिए, और तेल के कड़ाहे में डाल दिया जाता है अंदर ले जाकर। तो वैसे ही क्या है, हमें जो चश्मा हमने लगाया, बिल्कुल सही है, बाबा कहते हैं हनुमान लाला को, सुन हनुमंत विपत्ति सोई होई, विपत्ति वही है। एक मिनट लूंगा, जरा स्पष्ट कर दूं जो व्यूअर्स हमारे दर्शक देख रहे हैं, देखिए जीवन का भी विज्ञापन डिपार्टमेंट है, कितना सुंदर है, कितना खींचता है अपनी तरफ, चाहे कुछ भी हो। मैं किसी संस्था से आपकी विरक्ति नहीं उत्पन्न कर रहा हूँ, विवाह है, धनार्जन है, बड़ा पद है, ये सब विज्ञापन है। अगर आप इस विज्ञापन से रिलेट करेंगे खुद को तो आप समझेंगे कि आप आ तो जाते हैं खूब मेहनत करूंगा, शिखर पर पहुंचूंगा, और करिए, लेकिन अटैचमेंट के साथ थोड़ा अटैचमेंट वहां भी रखिए जी। तो बाबा जो है वो ये बात कहते हैं कि सुन हनुमंत विपत्ति सोई होई, और जब तब सुमिरन भगति न होई। वो विपत्ति को क्या कहते हैं, वो हमारे जो सनातन संस्कृति है वो कहती है विपत्ति ना विपत्ता है, संपत्ति ना संपदो। जिस विपत्ति को आप विपत्ति समझ रहे हैं वो विपत्ति है ही नहीं। क्या बात, जिस संपत्ति को आप संपत्ति समझ रहे हैं वो संपत्ति ही है ही नहीं, नहीं। विपत्ति कब है, जब आप परमात्मा की भक्ति से सुमरण से वंचित हो गए हैं, और संपत्ति कब है, जब तुम्हारे अंतर चित्त में नारायण समाहित हो गए हैं, अर्थात परमात्मा की अनुभूति हो गई। तो वो कहते हैं सुन हनुमंत विपत्ति सोई होई, और जब तब सुमिरन भगत न होई। आपके अंतरचित्त में जब भी मयता आ गई तो आप समझ लीजिए आप विपत्ति में हैं। मयता आ गई, आपने मय को जीवन मान लिया, आपने अपने इस शरीर को जीवन मान लिया, तो आप इस शरीर से संबंधित सारी विषय वस्तुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, भौतिक संसाधन आप एकत्रित करने लगते हैं। देखिए माया बड़ी ठगनी हम जानी, बड़ी व्यवस्था से आपको ठगती है। जब कभी आपके पास धन नहीं होता तो बंधु बांधव कुटुंब कबीले आपकी मदद करते हैं, आपके घर में बड़े भाई बहन अपने गहने बेचकर आपको पढ़ाती है, भाई जो है जमीन बेचकर आपको पढ़ाता है, माता पिता जो है बेचारे मजदूरी कर कर आपके जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, और जैसे ही धन आता है आप क्या करते हैं, सबसे पहले उनको विस्मृत करते हैं, क्योंकि आप और दिखाना होता है तो उन्हीं को दिखाने के लिए जाते हैं। कर्तव्य विमुख कर देता है, अर्थ अनर्थ उत्पन्न कर देता है आपके जीवन में। अब भौतिकता ने जैसे ही स्थान घड़ी घड़ा, ध्यान रखिएगा जब भी संपन्नता आपके जीवन में बढ़े, जब भी भौतिक संसाधन बढ़े, आप समझ लीजिए आप विपत्ति में आ चुके हैं, आप विपत्ति के बीच ही हैं, क्योंकि अब आपकी जो सुमति है वो कुमति में परिवर्तित होने वाली। बहुत सुंदर बात, एक मिनट के लिए और स्पष्ट कर दूं, क्योंकि जब प्रोफेसर गोस्वामी ये समझाते रहते हैं तो मैं एक शिष्य की तरह समझने की कोशिश करता हूं। अब देखिए प्रभु सत्ता जब आई, आप बहुत व्यस्त हैं, ऐसा नहीं आप इग्नोर कर रहे हैं नाते रिश्तेदारों को मित्रों को, लेकिन मैसेज क्या जा रहा है, साहब बाबू लाट साहब हो गए हैं, अब समय कहाँ है, मोबाइल पर घंटी जाती है उठाते नहीं हैं, आप परेशान हैं अपनी बोर्ड मीटिंग्स में, आपको बड़ी बड़ी फाइलें तैयार करनी है, बड़े बड़े प्रेजेंटेशन देने हैं, लेकिन संकट में आप आ चुके हैं, अब निपटना कैसे है सर? देखिए आप एक समझिए, तो जितने भौतिक संसाधन विस्तार से आपके आसपास आए, अब आप विपत्ति में हैं, तो आप विपत्ति में हैं तो आप क्या करें, आप एक ही काम करें, सुमिरन करने की प्रक्रिया करें। स्मरण तो बहुत करते हैं, सुमिरन और स्मरण में बहुत अंतर है। सुमिरन का अर्थ ही होता है उस परमात्मा को धन्यवाद देते हुए स्मरण करना कि आपने मुझे मानव जीवन दिया है, मुझे मनुष्य बनाया है। आप एक बात और समझिए, बहुत सारे लोग अपने आप को नास्तिक होने का दावा करके स्वच्छंद जीवन को अपनाने का प्रयास करते हैं, आप उनके उत्तरार्थ तो देखिए जाके, दो चार पाँच साल बीतने के बाद मिलिए तो उनसे,
जो आपको चार बड़े बड़े डायलॉग बोल कर गए हैं, अरे क्या है भगवान क्या है, उनकी दीनता तो देख कर आइए। जब चार साल बीते हैं तो उनकी दीनता कहाँ पर है? दो पांच समय का क्षण तो बीतने दीजिए, तब आप उनकी दीनता देखिए। क्योंकि कुमति बकवाद करने के लिए विवश करती है, कुमति अर्थ का अनर्थ करने के लिए विकसित करती है। कुमति आपको कहती है जीवन क्या है, कुछ नहीं, जो है वो भोग लीजिए, और तमाम चीज़ें दे देता है। फिर आप जोड़ने लग जाते हैं, वो जिसे छोड़ना है आपको, आप जोड़ने लग गए हैं। आप क्या जोड़ने लग गए हैं? वो कागज के नोट जोड़ने लग गए हैं। मेरे पिताजी कहते थे शरद जी कि कागज का नोट क्या है? हाथ का मैल है। वो हाथ के मैल की तरह आया और गया। बोले वो तो कागज है, आज है कल नहीं रहेगा। तो भारत के लोगों ने देख लिया ना कि कागज कैसे रहता है। जिन नोटों को जोड़ के रखा था उनको बदलने के लिए कितना संघर्ष किया होगा उस समय, कि हमारे जुड़े नोट बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए, उनको जोड़ लेते हैं। अब उनको जोड़ लिया और छोड़ के उसको दिया, उसके आधार पर जो सत्कर्म कर सकते थे वो कर्म करना छोड़ दिया। ठीक बात। जो बंद थे तुम्हारे पास, अगर उनका दरवाजा खोल देते तो सत्कर्म हो जाता। तो विपत्ति जब आपके जीवन में आए तथाकथित रूप से, यहाँ मैं बड़ी सहृदयता से कहूँगा कि जो व्यक्ति संत है उसके जीवन में कभी विपत्ति नहीं आती, क्योंकि उसके लिए विपत्ति भी संपत्ति की तरह होती है। वाह वाह वाह। संत है, संत का अर्थ है जो सहज है, सरल है, जो परमात्मा का सुमरण करता है, जो कहता है वही है, वही जो राम रुचि राखा, जो इस भाव में रहता है, जो कहता है राजी है हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, इसमें भी वाह वाह है उसमें भी वाह वाह है, वो सबको सम दृष्टिकोण से जो देखता है, उसके अंतरचित्त में विपत्ति भी संपत्ति की तरह होती है। आप देखिए, लंकनी को एक घूसा लगाया हनुमान जी ने, और जैसे ही घूसा लगा तो उसकी सद्बुद्धि लौट आई, कुबुद्धि से सद्बुद्धि लौट आई, और वो हनुमान जी को कहती है प्रविशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। फिर क्या होगा? गरल सुधा मिलेगा तुम्हें वहां, गरल विष मिलेगा, लेकिन वो अमृत की तरह हो जाएगा तेरे जीवन में। फिर वो विपत्ति तेरी संपत्ति हो जाएगी जीवन, वो विपत्ति गरल सुधा रिप करें मिताई, जो शत्रु होगा वो भी मित्र हो जाएगा तेरा। गोपद सिंधु अनल सितलाई। बाबा तुलसी कहते हैं एक बड़ी सुंदर बात, वो अपनी दोहावली में लिखते हैं कि जाको प्रिय न राम वैदेही, जिनको जाको प्रिय न राम वैदेही। राम वैदेही कहने का अर्थ है जिसको ब्रह्म और शक्ति परमात्मा प्रिय नहीं लगते, जिसको जिसके अंतर चित्त में उसके प्रति विश्वास नहीं है ऊपर वाले के प्रति। तो जाको प्रिय न राम वैदेही तजेऊ कोट इस बैरी सम जदपि परम स्नेही। उसको आप करोड़ों बैरी की तरह मान लीजिए और छोड़ दीजिए। क्यों? उसके चित्त में परमात्मा के प्रति अनुभूति नहीं, उस रास्ते में मत जाओ, दूर से नमस्ते कर लो, ऐसी प्रक्रिया से दूर रह जाओ। क्यों? वो विपत्ति में है, यद्यपि संपत्तिवान दिख रहा है। वो उदाहरण कितना सुंदर देते हैं, जैसे प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया, हिरण्यकश्यप के पास कौन सी संपत्ति नहीं थी, त्रिलोकपति था, लेकिन उसके उन्होंने देखा इनके अंतर चित्त में अहंकार है, विकार है, विषय है, अमरता चाहते हैं ये। अमरता का अर्थ समझते हैं, आ जो मरता है, आ यानी अहंकार। सारे लोग बोल रहे हैं अमर हो जाएं, अमर हो जाएं, यही आ तो मरता है, अहंकार ही मरता है। तो प्रहलाद छोड़ दिए अपने पिता को, किसकी शरण चले गए? जब तब सुमरण भगत ही न हुई, वहां पहुंच गए। फिर वो दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया, रावण के पास कौन सी व्यवस्था की कमी थी, त्रिलोकपति था, आनंद से विभीषण था, उनको तो ये सुविधा भी थी कि वो अपनी कुटिया में बैठकर हरि नाम का जाप करें, कोई रोक टोक नहीं था उनके जीवन में। उनकी पत्नी का नाम शर्मा था, दोनों पति पत्नी जो है बिल्कुल आनंद से रहते थे, बिना रोक टोक उनके जीवन। रावण उनको बड़ा स्नेह करते थे, पुत्रवत ध्यान रखते थे, लेकिन जाको प्रिय न राम वैदे तजे ये कोट बैरी सम, करोड़ों बैरी के समान मानकर छोड़ दीजिए, मत बैठिए वहां पर। आप जहां पर कुसंगति है मत बैठिए, आप किसी भी सीमा में कितना भी आकर्षण हो। फिर वो कहते हैं जैसे भरत ने कैकेयी को छोड़ दिया, लाडला है मैं तारी का, कैकेयी ने राम को अति स्नेह किया, बहुत प्रेम करती थी, लेकिन भरत के प्रति जननी थी उनकी, कितना प्रेम था, लेकिन उनने कहा तुम्हें राम प्रिय नहीं, तुम्हें परमात्मा प्रिय नहीं, तुम्हारे अंतर चित्त में द्वेष आ गया, राग आ गया, विराग नहीं हुआ तुम्हारे चित्त में, उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। मीरा ने महल छोड़ दिया, शबरी ने महल छोड़ दिया, तो आप छोड़ दीजिए।
तो विपत्ति से कैसे बचेंगे आप? एकाग्रता से। एक बड़ी सुंदर दर्शन से आपका परिचय कराता हूँ, आपके दर्शकों का परिचय कराता हूँ। आप देखिएगा, एक चहे एक चाहे ना जी, एक चहे एक चाहे ना, और जर्जाई दई यह प्रीति एकांगी। एकांगी प्रीति से आप विपत्ति को संपत्ति बना सकते हैं। एकांगी प्रीति, एकांगी प्रीति। अब उदाहरण देखिए, चंद्र के चाह चकोर मरे, नित दीपक लौ में जले रे पतंगी, और मीन मरे बिछड़े जल संगी, और मोर मरे घनसोर नते, नित दीपक लौ में जले रे पतंगी, चंद्र की चाह चकोर मरे। एक चहे एक चाहे ना। आप देखिए, जल में, जल को क्या फर्क पड़ता है कि आप मछली उसमें रहे या ना रहे? मछली को फर्क पड़ता है कि वो जल के पास रहे। जल से निकली नहीं कि मछली के प्राण चले गए। वो पपीहा जो है वो एक टक जो है देखते रहता है चंद्रमा को, एक टक, एक टक। ऐसी प्रीति की कुछ पूछो, चंद्रमा को क्या अंतर पड़ने वाला है कि एक पक्षी उसको देख रहा है कि नहीं देख रहा है? एकाग्रता। तो जब तुम्हारे जीवन में प्रतिकूलता आए तो तुम एकाग्रता का दामन मत छोड़ो, एकाग्र रहो उसी स्थिति में। किसमें? कर्म के प्रति। तो जब तुम एकाग्र भाव से कर्म पथ पर चलोगे तो वो विपत्ति भी तुम्हें संपत्ति प्रदान कर जाएगी। कौन सी संपत्ति प्रदान कर जाएगी? जब तब सुमिरन भजन न होई। दर्शन का सिद्धांत कहता है तुम्हारा जीवन अमर हो जाएगा। मीरा ने किसको दान पुण्य किया है? मीरा ने कहाँ महल बनाया है? वो तो महल छोड़कर आई है। विभीषण की प्रभुसत्ता की कहाँ बात हुई है? परमात्मा राम जब उनको तीनों लोक की संपत्ति भी प्रदान कर रहे हैं, वो लंका प्रदान कर रहे हैं जिसके लिए कुबेर का विरोध किया था और शिव से याचना की थी, तो भी संकोच के सहित प्रदान कर रहे हैं। तो आप समझिए, आपके जीवन में तब विपत्ति है जब आपका ध्यान संपत्ति की तरफ जाता है। कौन सी संपत्ति? संसार की संपत्ति। लेकिन जब आपका ध्यान संसार की संपत्ति के अतिरिक्त इन संपत्ति को प्रदान करने वाले के प्रति जाता है, तब आप विपत्ति से मुक्त होकर सच्ची संपत्ति एकत्रित करते हैं। तो जब आप अंतर चिंतन में, आप ध्यान रखिएगा, परमात्मा का चिंतन, कई लोग बड़े संकोच से कहते मैं ना तिलक नहीं लगाता, मत लगा, मैं ना इन पूजा पाठ पर विश्वास नहीं करता। किसने कहा भैया तेरे को पूजा पाठ करने के लिए? अब मैं तो हूँ ही, तो मैं हो गया ना, तो तुम ये क्या मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में तुम लोग जाते हो? मैं इन पर विश्वास नहीं करता। बहुत अच्छा, इस बिन पर भी विश्वास मत। अच्छा, तुम विश्वास किस पर करते हो? तुम विश्वास किस पर करते हो? खुद पर करते हो? अपने आप पर करते हो? अपने कर्म कर पर करते हो? अपनी सुसंगति पर करते हो? तुम ऐसा क्या करते हो कि जिसके आधार पर मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ जाए कि तुम कुछ ऐसा प्रतक करते हो? तुम अपनी प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिवर्तित कर सकते हो इस एकाग्रता से। जल में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, मछली को कौन कांटा डाल दे, उस कांटे में कौन लुभावना वो डाल दे, कैसे फंसा ले तुमको वहां पर। अरे चातक तो बेचारा देख रहा है कितनी बरसात होती है, उसको उसका ध्यान नहीं रहता। जब स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तभी वो पानी पीता है, नहीं तो पानी नहीं पीता। बहुत सुंदर बात आपने कही है गोस्वामी जी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी ईश्वर की सत्ता में जिनका विश्वास नहीं है, उन्हें ये समझना होगा कि ईश्वर, शंकराचार्य जी की बात हुई है अभी हाल ही में, प्रधानमंत्री केदारनाथ गए तो द्वैत अद्वैत जैसे शब्द फिर उछले हैं, जहाँ आत्मा और परमात्मा को एक ही बताया गया है। जिस सनातन परंपरा में कि मनुष्य और ईश्वर एक ही है, तुम तो एक ही हो, चूँकि द्वैत है ये, इसलिए कई बार भ्रम होता है, उत्पन्न होता है। तो प्रश्न ये है कि दृष्टि तो हमारी ही कहीं, माफ कीजिएगा, कुमति ग्रस्त है। हम ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने से इसलिए झुटलाते हैं। ठीक है, कुछ प्रतीक हैं जिनसे आपको आपत्ति है कि साहब ये भंडारा क्यों रहा ईश्वर के नाम पर, ये तिलक क्यों लगा है, ये तमाम और प्रतीक या उपादान क्यों ईश्वर के नाम पर है। नहीं नहीं नहीं, ईश्वर मानव सेवा का ही दूसरा नाम है। क्या वो आप करते हैं? अगर आप महान नास्तिक हैं जी। मैं तो आपको एक चिंतन और कहूँ, आपने आचार्य शंकर का स्मरण किया है,
आचार्य शंकर तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं ना। बिल्कुल सही। आचार्य शंकर तो आपको बाहर घूमने से मना कर देते हैं। आचार्य शंकर तो आपको आपके भीतर बैठे आत्मा तुम गिरजामति के दर्शन करा देते हैं ना कि तू ही शिव है। जब तक तू अपने अंतर चित्त में आनंद की अनुभूति कर रहा है, ईश्वर को मानने का अर्थ उसके स्वरूप की व्याख्या नहीं है, ईश्वर को मानने का अर्थ अपने अंतर चित्त में आत्मविश्वास की जागृति है। तुम कितना आत्मविश्वास की जागृति कर सकते हो, वो तुम्हें उदाहरण देते हैं। वो लिखते हैं, शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम। तो यही चाहता था ना, सुंदर शरीर हो, अच्छे वस्त्र हो तेरे पास, दिव्यमान तू दिखे। शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम। ओ देख रहे हैं, करोड़पति अरबपति फलाने पति कौन कौन से पति सब बन गए हैं, सब बन गए। धनम मेरुतुल्यम यश चार चित्रम, चारों तरफ तुम्हारा यश फैल गया है। अब तुम संतुष्ट हो क्या? क्या तुम संतुष्ट हो गए? अभी नहीं हुए संतुष्ट। क्यों नहीं हुए? हरि रंग पद में मनश्चैन लगनम। अरे तुमने जब तब सुमिरन भजन ते हो ही नहीं किया है ना, तेरा चित्त जो है उसको धन्यवाद देने में नहीं लगा है। तथा किम तुम्हारे अंतर चित्त में यदि वो सत्य विद्यमान नहीं हुआ। तुम देखिए, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है किसी के प्रति उंगली दिखाने, किसी को ज्ञान देने, किसी को अपनी बातें सुनाने। इससे पहले आपने अपने एक आख्यान में बहुत सुंदर व्याख्या की है, लेकिन समझिएगा, क्योंकि एकदम से ये मत समझ लीजिए कि जो यहाँ कहा जा रहा है उसको किसी गोली की तरह उसको पानी, आधे गिलास पानी के साथ निगल जाइए। नहीं, ठहरिए, चिंतन विमर्श यही है। गोस्वामी जी ने एक आख्यान में ये कहा कि नास्तिक ईश्वर को भी बहुत प्रिय है, जो ईश्वर की सत्ता को चुनौती देता है। नहीं, यहाँ मेरा चिंतन वो तो है ही। हाँ, नहीं, लेकिन आस्तिक और नास्तिक के चिंतन से हटकर मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ मूलतः रूप से, कि आप जब कभी किसी पर टीका टिप्पणी करने बैठे होते हैं तो उस समय आप अपने आप को परिपूर्ण मान लेते हैं कि मैं परिपूर्ण हो गया हूँ। बिल्कुल, ध्यान रखिए, पूर्ण विदम पूर्ण मदा पूर्णात पूर्णम उदच्यते। ये मुझे लगता है गोस्वामी जी यही वह अनुभव जन्य अनुभूति है कि आंखों पर पट्टी बंधी है और चार लोग हाथी को टटोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये स्तंभ है उसके बड़े पैर पकड़कर, कोई पूछ पकड़कर कह रहा है रस्सी है। कुछ ऐसी अनुभूति मनुष्य की भी है, और यही वजह है कि हम ये नहीं समझ पाते जब अखबार में समाचार पत्र पढ़ते हैं कि बेंगलुरु से आने वाले एक नामचीन उद्योगपति ने आईटी कंपनी के 9,000 करोड़ रुपए दान किए हैं और दुनिया के दानदाता। तो भाई साहब, 9,000 करोड़ आप 9 रुपए खर्च करने के पहले सोचते हैं, किसी को दान देने के पहले मंदिर के बाहर बैठे, मस्जिद के बाहर बैठे, गिरजाघर के बाहर बैठे किसी निरुपाय व्यक्ति को भी कहते हैं कि नहीं, कोई मतलब नहीं, इससे ये व्यवस्था बड़ी फैलती है। और कोई व्यक्ति 9,000 करोड़ दान कर देता है तो ये आनंद क्या आप कभी नहीं महसूस कर पाएंगे। इसलिए आलोचना से थोड़ा निकलिए, जरा जीवन को सर्वांग सम बनाइए, मानव सेवा करिए, जरा दान करिए, किसी की सेवा की तरफ प्रवृत्त होइए। अगर दिवाली पर आप किसी वृद्धाश्रम में नहीं गए हैं या किसी अनाथ आश्रम में नहीं गए हैं तो आप कभी उन पीड़ित चेहरों को थोड़ा बहुत जो भी आपका सामर्थ्य है, अगर आपकी तरफ से उनका मदद का हाथ बढ़ता है तो उस खुशी को आपने अनुभव नहीं किया है तो माफ़ कीजिएगा, आपसे दरिद्र, आपसे कंजूस, और आप माफ़ कीजिएगा, कुछ कटु शब्द है, क्षमा कीजिएगा, लेकिन सत्य यही है। देखिए, आपने एक बड़ी अच्छी बात अभी कही, एक उदाहरण दिया था दर्शन का कि हाथी को अगर कोई पकड़ रहा है आँख में पट्टी बांधकर। पिताजी यही उदाहरण देते हुए संपत्तिवान बनने के, धनवान बनने का सुंदर उदाहरण देते थे, एक मूल विषय वो खत्म कर देते थे। उन्होंने कहा हाथी तो निकल जाता है, पूंछ रह जाती है, ये पूंछ अगर आपने छोड़ दी, छोड़ना आपको पूंछ ही है, मिटा दे अपनी हस्ती को, जो कुछ मर्तबा चाहे वो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाए, तो जिस दिन तुम अपनी हस्ती से विमुक्त हो गए उस दिन विपत्ति तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगी, और तुमसे बड़ा संपत्तिवान कोई नहीं। खुद में डूब जा और पा जा सुरागे जिंदगी। साहब यही तो हम नहीं करते, कभी किसी चीज़ में डूबना हमने सीखा ही नहीं। हम तो हमेशा तराजू के पलड़े पर रखते हैं ना बांट, संतुलन देखते हैं, एक छटाक भी इधर से उधर ना हो, ऐसे ज़िंदगी नहीं जी जाती सर। थोड़ा आगे तो बढ़िए, ज़रा डूबिए तो, गहरे पानी में तो जाइए, फिर ही तो मोती मिलेगा आपको। बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी, बहुत प्रणाम करता हूँ। अगले एपिसोड में एक और नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।
है।